तरक्की के एक नई मिसाल सरपंच श्री सोमनाथ डोगरा जी। जी हाँ दर्शकों, अभी इस वक्त मैं पंचायत घर मंडाल में हूँ और अगर बात करें हम मंडाल की तो लगातार कहीं कोई ना कोई नया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम जो है होता रहता है। और आज की अगर मैं बात करूँ, आज एक मल्टीपर्पज़ कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कैंप को लेकर और इसके साथ साथ लैंड पासबुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आज के दिन किया जा रहा है। तो आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, और ये जो आप अभी देख रहे हैं ये तहसीलदार हैं और इसका पूरा सिविल डिफेंस ट्रेनिंग के जो बच्चे जो हैं ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसी के साथ साथ लैंड पासबुक का भी डिस्ट्रीब्यूट की गई सभी लैंड ओनर्स को और सभी किसानों को। तो ये बहुत ही अच्छा एक कैंप जो था ऑर्गेनाइज किया गया, आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में। केस आपको कोई भी तब्दीली लगती है कि यार ये तो मेरा नंबर था नहीं, कुछ भी कोई भी दिक्कत लगती है, वो इसमें एज पर रूल 3 ऑफ 11 ऑफ लैंड जम्मू एंड कश्मीर लैंड पासबुक रूल्स हैं, तो आप उसमें प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने प्रोजेक्ट करना है, तो मुझे इंटीमेट कर रहे हैं तो फिर फाइनली हम इसको करेक्ट करेंगे अगर इनकेस लगता है। वैसे तो ये करेक्टेड ही है, करेक्टेड फॉर्म से दी जा रही है। ठीक है, सबसे पहले आप हमारे मंडाल के अमित शर्मा सर, अमित शर्मा आइए, अमित शर्मा ये है ना, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा यहाँ बच्चों का। मैं सुनती रही, 2-3 दिन तो मैं आई नहीं, बट मुझे पता चला कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे इंस्ट्रक्टर जो बता रहे थे, जो सिखाया उन लोगों ने, और आपने सीखा भी होगा। जो भी आपने सीखा है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने सीखा है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रखना है, आपने उसको यूटिलाइज़ करना है। जो नॉलेज आपने लिया है उसको आपने घर में फ्रेंड्स के साथ या आगे पीछे भी शेयर करना है। जो लोग आपके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताना है कि हमने वहाँ सीखा क्या, और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल में करना है। आप लोगों ने सीखा है कुछ, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों की मदद करेंगे। सबसे पहले ये है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हमने दूसरों की मदद करनी है। उसके बाद जो सीखा हुआ नॉलेज है वो भी आपको हेल्प करेगा, और जो अगर नहीं सीखा है तब भी आप किसी न किसी तरीके से दूसरों लोगों की मदद करने में कामयाब होंगे। किसी बच्चे के पास था एक बहाना होता है कि जब हमारे पास ऑफिसर आए और अपने अल्लाह के की हम बातें रखें और कुछ ना कोई सलूशन जो है हमें मिलना चाहिए, हमारी जितनी पब्लिक है। इसके साथ ही तहसीलदार सर, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, ऑलरेडी काफ़ी भेज दिया है, अभी तहसीलदार साहब के थ्रू हम ये काफ़ी भेजना चाहते हैं ताकि आने वाली जनरेशन हमारी जो इसका फ़ायदा उठाएं और हेल्थमंद हमारे लोग इधर के रहेंगे। ये सर, आइए दर्शकों, अब हम बात करते हैं आज के कैंप के चीफ गेस्ट तहसीलदार साहब से, क्या कहना है उनका लैंड पासबुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। क्या था जिसमें हमने पब्लिक आउटरीच पे स्ट्रेस दिया, सारी पब्लिक को इकट्ठा किया। मेन फोकस हमारा ये था कि आज हम एक यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में एक डेट हमने डिसाइड की है, जो कि आज की डेट डिसाइड की थी, जिसमें हम हैंड ओवर करेंगे लैंड पासबुक्स टू द बेनिफिशरीज़। बेनिफिशरीज़ मतलब लैंड ओनर्स, जितने भी हमारी तहसील में और भी गांव में लोग हैं उन सब की पासबुक, लैंड पासबुक्स डिजिटली हमने क्रिएट की हैं, जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हम एक प्रोग्राम के तहत सब लोगों के बीच में आए हैं और उनको ये लैंड पासबुक्स हार्ड कॉपीज़ इशू कर रहे हैं। तो इसी दौरान हमने सरपंच साहब से हमें काफ़ी सपोर्ट रही और अन्य टीम्स भी आई हुई हैं। तो आइए दर्शकों, अभी हम आपको दिखाते हैं जो फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैंप जो है यहाँ पे लगाया गया है, और तो आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मेडिसिन कैंप जो है वो लगाया गया है। तो सभी यूथ को, इसके साथ साथ मंडाल के तमाम अन्य लोगों को जो है फ्री मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। तो आइए दर्शकों, हम बात करते हैं हमारे आदरणीय सरपंच श्री सोमनाथ डोगरा जी से, जिन्होंने आज का ये पूरा कैंप जो था वो ऑर्गेनाइज किया। पूरी बातचीत आइए हम उनसे करते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे, बोलिए। थैंक यू यूनिटी न्यूज़,
एंड सच न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया मंडाल में आने का। मैं सरपंच सोमना डोगरा मंडाल पंचायत हल्का मंडाल। आज के जैसे जो है आज का जो दिन है हमारा मल्टीपर्पज़ कैंप था। बेसिकली पिछले 5 दिनों से हम सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग चला रहे थे इधर, और आज उसका जो है कंक्लूडिंग डे था। इसके साथ साथ हमने जो है आयुष्मान भारत मिशन के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जो है मेडिसिन किट मिलते हैं वो भी हमने डॉक्टर मधु शर्मा को रिक्वेस्ट की थी, वो भी आए हैं। और पीछे आप देख रहे हैं कि वो भी दवाइयाँ जो है वितरण हो रही हैं। सर, लैंड पासबुक जो इशू की जा रही है उसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है हम लोगों को? उसका बेनिफिट ये है, जैसे कि हम जो है अपने पैसे जो है बैंक में रखते थे, अगर इन आउट होता है कुछ ना कुछ तो एकदम से मैसेज आ जाता है। तो इसका भी एक ये तरीका है। जैसे तहसीलदार साहब आए थे इधर, लैंड पासबुक उन्होंने अपने हाथों से वितरण किया है, और जो कुछ बची हुई हैं वो हमारे पास हैं, और जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे उनको देते जाएंगे। लेकिन इनका जो मेन बेनिफिट यही है कि हमारी लैंड के रिकॉर्ड में अगर थोड़ी भी हलचल होती है तो एक तो हमारा फ़ोन नंबर उसमें कनेक्टेड है, हमें पता चल जाएगा। उसके बाद जब बेचनी है हमने या किसी ने खरीदनी है तो ऑटोमेटिकली वो पासबुक से लेस और प्लस हो जाती है। सर, डिजिटल का ज़माना है, लेकिन बहुत सारे अभी अगर हम गाँव की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो लोग कैसे उसका बेनिफिट अवेल कर पाएंगे? जब उनके अगर लैंड में कोई चेंजेस आते हैं उनको कैसे पता चलेगा? हाँ, इसके साथ साथ जो है तहसीलदार साहब ने जो है इधर ऑफिस भी एक सेल बनाई हुई है, वो जैसे आपकी बात सही है कि हर बंदे के मोबाइल नहीं होता है, लेकिन इसके साथ जैसे सदियों पुरानी हमारी बातें चलती आ रही हैं, कुछ हम मोबाइल में हो गए हैं लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ हम मैनुअल भी करते हैं। तो सेम केस जो है अगर छोटा मोटा कोई केस रह भी जाएगा तो वो तहसीलदार साहब इधर बैठे, नहीं तो हम इधर बैठे हैं, सोशल वर्कर हैं, पंचायत के सरपंच भी हैं, हमारे पास जो भी पॉइंट आएगा तो हम पर्सनली भी जाकर उसको डिस्कस करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर, तो लैंड पासबुक जो इशू की जा रही है इसका कोई चार्जेस वगैरह जहाँ क्या कैसा रहता है? हाँ, आज के दिन में इसमें जो है मेरे ख्याल में कोई चार्ज नहीं, और आने वाले टाइम पे कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको फार्मर्स को दी जाएगी। तो आपने सर आज मल्टीपर्पज़ कैंप लगाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें रहीं। एक तो रविदास जयंती आपने सेलिब्रेट किया, और इसके साथ साथ फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन भी चलाया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या कहना चाहेंगे आप? इसका पीछे का यही उद्देश्य है कि जैसे भी हम रिटायर्ड बंदे हैं, मेरे पास कोई और दूसरा कोई काम है नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 2-4 साल सर्विस मेरी बची है, पहले हमने देश की सेवा की, अभी मैं पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ, कि जो भी दमखम के साथ तन मन धन के साथ जो है मैं हर एक शहरी के पास जो भी नीडफुल है या जिस किस्म की किसी की ज़रूरत है उस तक मैं पहुँच पाऊँ, यही मेरी सोच है कि हर आदमी अवेयर होना चाहिए। और स्पेशली जो मंडाल फ्लाई का एरिया है इसमें से कम हर गाँव में 10-20 ऑफिसर बनने चाहिए, ताकि वो अपने एरिया के बारे में अच्छाइयाँ सोचें, और अपना एरिया जो है जैसे गांधीनगर बना है वो मैं मंडाल फ्लाई एरिया को देखना चाहता हूँ। सर, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का भी 5वां दिन था शायद आज, उनके जो बच्चे कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनका बच्चों को वैसे भी हम 4 दिन से उनके साथ ही थे, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हम ट्रेनिंग करें उनको यूटिलाइजेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे गांव कल्याण में रहते हैं, दूर दराज एरिया है जो सिटी से बड़ी दूर हैं, और कभी कभार अगर ऐसी बात हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया या किसी को माइनर हार्ट अटैक हो गया या जितनी भी उन्होंने टैक्स लगाई या घर में छोटी मोटी सिलेंडर के साथ आग लग जाती है, उसको कैसे काबू करना है, वो टैक्स जो है पूरी सिलाई, तो उनको बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनिंग दी है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट भी करना है। आंकर जय हिंद, जय भारत।